ऑडियंस आज ये गेम खेलते हैं, आज आप देविका मैं ऑडियंस। रिमेंबर मैं हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, लेकिन आप नहीं करते हो, है ना, आप नहीं करते हो। तो आज हमको उसी को रिपीट करना है। हक दिया। ऑडियंस आज एक गेम खेलते हैं, आज मैं देविका, मैं तो देविका हूँ ही, मैं तो देविका। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा ही चल रही है चर्चे में ये। सो लेट्स गेट एंटरटेन टुगेदर। ओके यार जोक में जोक है। आई रियली विश आई डाइड दैट डे। ओए मोए 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 यार जोक आए। गाइस ये वाला सीनरस मूवी का फैंसी अगर रश्मिका ने क्या बोला था वो जानने के लिए बहुत मेहनत करी है हम सभी लोगों ने। बहुत सारे झूठ बोलो रील देखे हैं, सर्च किया है कि भाई रश्मिका ने बोला क्या है एक्चुअली वहाँ पे, तो जाके पता लगा कि मतलब अच्छा होता तुम्हारा बाप उस दिन मर जाता, ऐसा बोला है उसने। मतलब धन्यवाद ब्रो, डिडंट इवन हेजिटेट। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा रणबीर कपूर ने अपना रोल निभाया है, बहुत अच्छा मूवी था। इतना अच्छा था कि हमको मेरे पापा का याद आ गया, मेरे पापा का याद आ गया है। अभी पापा है, अभी याद आ गया। मेरा भी ऐसा ही बहुत रफ बचपन था, बहुत रफ बचपन था। एक्टिंग किसका बेस्ट था? मेरा एक्टिंग किसका बेस्ट था? मेरा। अच्छा नहीं, सारे कैरेक्टर का एक्टिंग बहुत अच्छा था और सबसे अच्छा एक्टिंग हमको लगा रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर का आप भी एक्टिंग करते हैं? नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस कर दिए, स्पॉन्टेनियस कर दिए। बहुत अच्छा मूवी भाई, मुझे मेरे पापा का याद आ गया भाई। जेन्युइनली यार जितना रणवीर सिंह ने पूरी मूवी में पापा पापा किया है उतना तो हमने आज तक बचपन से अभी तक नहीं किया होगा यार। वैसे हर चीज़ के हेटर्स और फैंस दोनों होते हैं, तो कुछ लोग फैन बन चुके हैं और कुछ हेटर। मतलब मैं तो हेटर में भी नहीं आ रही, ना मैं फैंस में आ रही हूँ, बट ये है कि मेरे को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन मैं देखने तक नहीं गई यार क्योंकि आधी ज़्यादा मूवी मैंने रील्स पे देख ली और स्टोरी मेरे दोस्त ने फ़ोन करके मुझे बता दी कि देख ऐसा ऐसा हो। और स्टोरी सुनने के बाद तो मुझे घृणा सी हो गई यार। इतनी छोटी इतनी तुच्छ सोच हम सोच नहीं सकते, इतनी तुच्छ सोच हम हमारे यहाँ माँ बहन बेटियों का सम्मान होता है, हमको समझ में नहीं आता महिलाओं का, माता बहनों का इस तरह सम्मान आदर करते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लगे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा अपमान किया गया है इस फिल्म में, अपमानित किया गया है फीमेल्स को बहुत ही वेल, और किस तरीके से गलत चीज़ों को पॉजिटिव वे में दिखाया गया कि नहीं नहीं टॉर्चर करना तो सही है भाई, आप भी करो। मतलब अभी मैं हंस रही हूँ, हंस के बता रही हूँ क्योंकि सीरियस टॉपिक है तो इतना सीरियस हो जाऊंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। एनिमल मूवी के बाद तो मुझे ये फील होने लग गया है कि अब तो बॉलीवुड वालों ने ठान ही लिया है कि अब तो हमारे आने वाले युवा को हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। पहले आदि पुरुष, अब एनिमल, अब अगला क्या ही होगा भाई। देख लो ये लोग गलत चीज को ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं भाई सही है, भाई सही है। और पुलिस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई पूरे एनिमल मूवी में। वो क्लास में घुस के मार दे रहा है किसी को, इधर घुस के मार दे रहा है किसी को, बस मारे जा रहा है। नॉनसेंस। और कैसी लगी भाई एनिमल? मी एनिमल कैसी लगी आपको देख कर आए? आपने देखी है? आपसे पूछ रही हूँ आपको कैसी लगी? आपने देखी है? हमें तो देखनी है सर, आपकी आंखों से देख रहे हैं हम लोग सुबह से। देख लो फिर आंखों से देख। ओ भाई साहब बेस्ट रिप्लाई ऐसे रिपोर्टर्स को भाई। इसके आपको क्वेश्चन क्या अजीब क्वेश्चन क्या आपको मतलब हम आपके आंखों से ये क्या भाई? अबे सवाल करते करते तुम रोमांटिक कैसे हो गई बे? क्वेश्चन कर रही हो तो क्वेश्चन करो ना। नहीं हम अपनी आपकी आंखों में, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो, तुम उसकी आंखों में देख करके मूवी देख रही हो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पापा कोई दुश्मन तो नहीं है आपका छुपा हुआ? बता दो बदला ले लूंगा। मम्मी तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि पापा का बर्थडे कब आता है? पापा कोई बिजनेस नहीं है क्या आपका जो मैं संभाल सकूं, जिसकी लड़ाई चले? अरे 84 पान भंडार खोल देते यार आप, उसकी भी लड़ाई चल रही है दूसरे वाले भंडार से। भाई किसी से तो बदला लेना है यार। हाँ भाई तूने थर्ड क्लास में मेरी रबर ली थी, वापस नहीं की थी। बहुत सड़ी के मिल बाहर, मिल बाहर। पापा समझने की कोशिश करो, सेल्फ डिफेंड वास्ते पंजाबी फ्रेंड जरूरी होंदे सी। भाई साहब एक तो नॉर्मल पीपल ट्राइंग टू स्पीक पंजाबी एवरीडे ऐसा ही कुछ निकलता है, कहंदेसी होंदेसी मिलदेसी खाने पिंदेसी खाने। यही वास्ते मैं जलंधर जा रही सी। अरे भाई अल्फा मेल ही दुनिया चला रहे हैं, मोदी जी अल्फा मेल, पुतिन अल्फा मेल, केजरीवाल मेल। पापा अगले जन्म में आप फूफा बनना और मैं पापा, फिर देखता हूँ फूफा जी कैसे नहीं मानते। मेरा एक दोस्त देख के आया एनिमल, मैंने उससे पूछा कि भाई कैसी लगी, भाई फिल्म कैसी थी? कहता बढ़िया थी पर यार बेकार थी। मैं मतलब तू कहना क्या चाहता है, बढ़िया थी कि बेकार थी? कहता कि वो सब तो बढ़िया था लेकिन मूवी बेकार थी। इसका मतलब है और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि जो बंदूक उसने रश्मिका के सर पे लगाई थी यानी उसकी बीवी, वो बंदूक अगर वो जो वो लड़की है क्या नाम होता है उसका मूवी में जो भी है उसके सर पर लगाता तो क्या वो सच नहीं बताती? अगर आप कहना चाहते हैं कि वो विलन के साइड से ये थी, वो सच नहीं बताती, वो मरने को तैयार थी, उसको मरने से डर, अबे ऐसा कुछ नहीं होता, दो झापड़ मार के कोई भी बता देता है यार। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये प्यार के जाल में उसको फंसाएंगे, अपनी बीवी को चीट करेंगे। भाई इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना इस मूवी ने बीवी को चीट करना, भाई इसकी आंख। सारे छपरी लड़कों को लग रहा है कि उनको राइट मिल गया अपनी बीवी गर्लफ्रेंड को चीट करने का, कि भाई नहीं भाई एनिमल मूवी ने रणवीर ने चीट किया ना, हम भी कर सकते हैं भाई, हम भी चीट कर सकते हैं। ये देश बदल रहा है। ये देखो भला भला मानुस है, लड़कों की हेल्प कर रहा है। दोस्तों आप भी देख लो ध्यान से। तो गाइज ये है अबरार के फर्स्ट वाइफ की आईडी, ये है अबरार के सेकंड वाइफ की आईडी, ये है अबरार की थर्ड वाइफ की आईडी, और वो जो जमाल जमन वाली जो लड़की है ये उसकी आईडी है, और उसके बाजू में जो ग्रीन कलर का जो सूट पहन के खड़ी है लड़की ये उसकी आईडी है, और उसके बाजू में जो ब्लैक कलर का सूट पहन के लड़की ये उसकी आईडी है। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ जाके सर्च कर लो, बाद में थैंक यू बोलना। भाई इसकी आंख, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना डियर बॉयज, एक बात बोलती, जितनी मेहनत तुमने ये आईडीज ढूंढने में लगाई है ना, और जितनी मेहनत अब तुम इसको सर्च कर करके फॉलो करने में लगाओगे, इतनी मेहनत तुम अपने गर्लफ्रेंड वाइफ को खुश करने में लगा दो ना तो तुम्हारा जीवन में संवर जाएगा। दोस्तों आगे रोगे नहीं कि भाई मुझसे ब्रेकअप करने को क्यों कह रही है। अगर तुम सिंगल हो तुम्हारे तो कोई पाबंदी नहीं है भाई, सर्च करो, मजे करो, सिस्टम पार देंगे। Boys normalizing Ranveer's personality in Animal and the way he behaved with his wife, calling him sigma male after he cheated on her. आगे क्या लिखा है? And made her go through hell. Meanwhile, the man in K-drama. La 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 la. ले तो धीरे से भाई साहब, फिर अब रोक रोक के तुम पूरा पढ़ लेना, एक पढ़ के सुनाया ना मैंने। अरे यार बात बन जाने, सिग्मा लड़के ऑफेंड होकर के कमेंट में लिख के जाएंगे हाँ हाँ लड़कियों को तो ये चिकनी चमेली ही पसंद आएंगे। एटलीस्ट कोरियन सीरीज में दिखाते हैं कि अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट किया जाता है, और सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, लड़कियां भी लड़कियों को कैसे ट्रीट करती है ये भी दिखाया जाता है। ओके, अब कोई कमेंट करके नहीं बोलेगा कि तू लड़की की साइड ले रही है, नहीं भाई लड़के डिजर्व करते हैं कि वो उनको भी कोई अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। पर भाई ये क्या ही दिखा दिया एनिमल मूवी में, ये इसको मार रहा है उसको, मजा आया। मैं सच बता रही है भाई, लड़कियां ना डूब चुकी है के ड्रामा में सही में, और तुम्हें कोई अच्छी लड़की चाहिए ना तो मेक श्योर कि वो के ड्रामा देखती हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपको याद है 500 में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट होने वाला था बॉम्बे में, सो ह्यूज फैन ऑफ माइकल जैक्सन आई वाज। मेरे सारे दोस्त डोमेस्टिक एनिमल था क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे था। कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। आप याद करो बाबा। अरे पापा याद करो यार। मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। हाँ? हाँ? कुछ भी याद नहीं आपको? एक्चुअली क्या हुआ, इतने सारे बर्थडे होके गए ना, तो तू कौन से बर्थडे की बात कर रहा है मालूम है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा सब जुना याद करके पुराना याद करके तो ऐसा दुखी होने से अच्छा है। अरे अरे हिल गया यार, आपको याद है? दोबारा भी याद नहीं आपको? करके पुराना याद करके तो ऐसा दुखी होने से अच्छा है। अब भी तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं दे दूँ। बोल, टेंशन नहीं लेने का, हमेशा खुश रहना, हमेशा। काश एनिमल मूवी ने भी उसके बाप ने ऐसा रिप्लाई दे दिया होता, सुन रहा हूँ बहरा नहीं हूँ मैं, बोलने का मौका नहीं मिलता ना रणवीर को। फिर अगर शादी नहीं हुई होती तो 100% तृप्ति का नंबर था। भाई ये बहुत बड़ी फैन है वैसे रणवीर की, एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था एंड इनका सपना पूरा हो गया उनके साथ काम करके। वेल, इनकी पर्सनल लाइफ पे हम नहीं जाते हैं, हमें क्या करना भाई, इनकी लाइफ में कितने भी नंबर हो हमें क्या करना, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। एंड मैंने कुछ बोला हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। एंड एनिमल मूवी मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।